बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रियाज रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल रियाज रशीद डेली लाइफ। आज मेरा प्रोग्राम था मेरा फ़रियाद भाई का शिकार करने का मछली का, तो हम वो तैयारी कर रहे थे तो हाथ से फ़ोन आ गया कि एक एमरजेंसी काम आया, तो मछली का प्लान जो हमने कर दिया है उसको ये देखिए क्या कर रहा है। अभी नहीं जाना यार, अभी तो फ्लावर का काम करने जा रहे हैं। मछली का जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया क्योंकि फ्लावर का काम जो ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारा मुर्गा बेचारा अकेला बैठा रहता है, उदास रहता है क्योंकि ये सोचता है कि बाकी जो है वो किधर गए हैं। उदास हो गया मुर्गा। तो थोड़ी देर बाद चलते हैं फ्लावर का काम करने। ये देखें इकट्ठा मुठा होकर एक जगह पर जैसे बोलते हैं कुक मार कर खड़ा रहता है बेचारा, अकेला रह गया ना इसलिए उदास रहता है। और इधर फरहान के काम चेक करें, ये देखें ये इन्हीं बालों पर बांध कर खड़ा किया है। अगर ये गिर गया एक भी बाला तो इसके ऊपर गिरेगा, तो इसके काम चेक करें आप। है मुल्ला पंडे जी, तेरा गिफ्ट आया। गिफ्ट आया? मेरा गिफ्ट भी आ गया। तवा लाते पे हो जान तो यार, जान दो यार। ये ना मेरा तवा लगा रहे हैं, कोई गिफ्ट वगैरह नहीं है। हूँ मैं रियाज साहब उन्हें खोल के वेखन के ओदे च की हैगा। असीं नहीं खोले हैं, चुक ले दोने ने कही जाओ मैं अगड़ा मनना है। यार तू जो चुक लिया होगा दोने ने मन जाएगा कितने जाके वेखना। भावे उन्हें कोई चीज पैक करके लाया वो तुम अपने कोई नहीं, तुम दस मेरा गिफ्ट कितों आना है, किन भेजना मुन गिफ्ट। मुन्नू की पता हो तूते फोन नंबर लिखा है कितों आया, कितों आया फोन नंबर लिखा है एने दसया ना पैटा रखे नहीं कितों आया। मैं भी थलो हूं 10 मिनट पहले ही आया, 10-15 मिनट हो गए, 10 मिनट पहले मैं थलो आया। आहो तू उसे आना पया। आहो उदो ही आया, तुम दुआ करते थे बाद में समझ ਐ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦੀ ਵੀ ਆ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜੀ ਕਿ ਬੋਤਾ ਪਰ ਹੈ। ਆਹੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਗਿਫਟ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਚੋਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਚਲੋ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਮੰਗਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਭੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਮਿਲ ਕੇ, ਫਰਿਆਦ ਭਾਈ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ चढ़ा रहे हैं, यानी कि शुगर लगा रहे हैं मेरे साथ। मुझे गिफ्ट किसने भेजना है और वो भी इतना बड़ा, क्यों फरहान? हाँ। तनु यकीन है कि मुझे गिफ्ट आया? नहीं तो कहता मुझे नहीं पता। चले अभी आ जाता कैमरा ऑन, आपके सामने आएगा जो भी आएगा, कैमरा मैं बंद नहीं करता जब तक वो नहीं आते। अभी देखते हैं कौन सा गिफ्ट आता है। गिफ्ट कितने है तुझे तो इतना बड़ा गिफ्ट? इतना बड़ा गिफ्ट है? ओ है ये है क्या? कुदरत है श्री, ये तो मिठाई का डब्बा है। बिल्कुल। और वो भी इतना बड़ा। वाह जी वाह माशाल्लाह, ये कहाँ से आया? आसमान नहीं है जी, मुर्गियां वाला। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, वो देख गया। वो मैं पहले बोल रहा था कि मुझे गिफ्ट किसने भेजना है, वो तो एक खुशी है, वो डब्बा दे गया मिठाई का मुंह मीठा करने के लिए। चलो गिफ्ट ही आना, चलें करें मुंह मीठा। चलो तो उसी के तरह नहीं, फिराद भाई कर दे। बिस्मिल्लाह। आकाश भाई करें मुंह मीठा। अभी अभी देख गया, मुझे नहीं पता था। अभी मैं जा रहा हूँ जी उस्मान भाई के पास, उनको मुबारकबाद देते हैं जाकर। उनका काम है चिकन का, देखेंगे अगर फारिग हुआ तो मुबारकबाद अभी देंगे, नहीं तो शाम को तो वो फारिग हो ही जाएगा, शाम को मुबारकबाद देंगे। फिलहाल मैं जा रहा हूँ देखने के लिए, अगर फारिग हुआ तो अभी मुबारकबाद देंगे उनको। तो रियाज भाई आकाश भाई इन्होंने तो मेरे साथ प्रैंक कर दिया, इतना बड़ा गिफ्ट लाकर देते देते ये मिठाई का डब्बा लगा दे दिया मुझे छोटा। चलो कभी नहीं इतना बड़ा गिफ्ट आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलो जी चलते हैं नीचे और जाकर चलते हैं उस्मान भाई के पास। आज हमारा स्टेज भी है, स्टेज लगाने हम जाएंगे 4:30 बजे तकरीबन, छोटा सा स्टेज है। आज फिर से लड़ रहे हैं जी,
ये जब भी इकट्ठे होते हैं लड़ते हैं, हैं मजाक मजाक में लड़ते हैं। चाचा उस्मान घर बेटा होया माशाल्लाह पता चले, हैं उस्मान घर बेटा होया पता चले। हाजी उस्मान अपने हाजी साहब तो यार मुर्गी वाला हाजी कल दी गल यार फिल्म नहीं पता चलिया तेनू जड़ा भी जड़ी भी गल करेगा सोच समझ करी वीडियो बनती पी ऐसा इंसान मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है। अच्छे अच्छे इंसान है यार, बहुत अच्छी हैं, बहुत 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 अच्छी हैं। आप हिसाब करें कि मेरे घर मिठाई का डब्बा देकर गए हैं बेटे की खुशी, मुझे पता ही नहीं था मिठाई का डब्बा आया तो मुझे पता चला। अच्छा अभी मैं मुबारकबाद देने आया हूँ, चलाओ चले इकट्ठे। नहीं जी चाचे को नहीं बताया उन्होंने हाजी उस्मान साहब ने कि मेरे घर बैठा हुआ, हालांकि इनका तो हमसाया है, ये एक दो तीन तीन चार दुकानें छोड़ के उसकी दुकान है। वो भाई जान जात के होते हैं शेख, शहनशाह शेख है वो आम शेख नहीं है, वो शहनशाह शेख है, बहुत शहनशाह शेख है। चलो चलते हैं ना उनके पास। सलाम अलैकुम और मौसम भाई मुबारक हो। मलिक साहब सुनाओ, ये लड़के का चाचा है मौसम उस्मान भाई का छोटा भाई, सबसे छोटा है। कहाँ गए उस्मान भाई? उस्मान भाई काम गए हैं। काम गए हुए हैं, कब तक आ जाएंगे? घंटे तक आ जाएंगे। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो थी जेगी, तो मुझे आज ही पता चला, अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको भी जल्द से जल्द बेटी अल्लाह पाक दी है आपको, इंशाल्लाह बेटा भी देगा। माशाल्लाह लड़के का ताया अबू, पाकिस्तान कैसा भाई? मुबारक हो, मुबारक लड़के का ताया अबू, मुझे आज ही पता चला यार, ये अभी थोड़ी देर पहले पता चला है, तो मैं मुबारकबाद दे के आता हूँ, लेकिन भाई साहब यहाँ पर नहीं है, जो जो मिला है जुमे रात वाले दिन का, और मुझे आज पता चल रहा है ये यारी है या गर्दारी है, यकीन करें हम आपको पता है क्या कहते हैं कैसर भाई, मेरे जैसा वेला इंसान आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। शुक्र अल्लाह का, मेरे जैसा वेला इंसान आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, मैं कहाँ से बिजी हो गया। तो बाकी सब ठीक ठाक है? उस्मान भाई पहले दो बेटियां हैं ना? अच्छा अच्छा दो बेटे हैं, अच्छा अच्छा मैं दो बेटियां एक बेटा समझ रहा था, पहले भी बेटा है इससे बड़ा, वो अदीना तो छोटा बेटा है, उससे छोटा ये बेटा है। माशाल्लाह आपकी तीन बेटियाँ हैं, माशाल्लाह आप ज़्यादा मुकद्दरों वाले हैं, किस्मत वाले रहमते हैं। मुबारक हो, ये हमारे हाजी उस्मान साहब हैं जिनको मुबारकबाद देने आया था, मिल नहीं रहे थे, ऐसा मुबारक हो। मिठाई तो मिठाई देखने में पता चला साहब का घर बेटा हुआ, चार किलो मिठाई भेज दी। हाँ मैंने देख ली है, चार किलो थी, मैं किलो मैं खाया हूँ, तीन किलो मैं घर छोड़ा है। हाँ हुआ लाइया भाई। अभी चाचा अपने लाखों करोड़ों अरबों रुपए का जो बिजनेस है उसका हिसाब किताब कर रहा है, हैं चाचा ये देखे ना मुबारक कैलकुलेट कर रहा है, और यहाँ पर हिसाब करेगा अपना लाखों करोड़ों के बिजनेस का। ये एक मोटरसाइकिल सही करने का इसने लाख डेढ़ लाख रुपया ले लेना है चाचा, वो देखें वो दिखा रहा है बिजनेस है, नाली उल्टा कर दिया है। ये देखें बिजनेस चाचे का, अल्लाह पाक आपके बिजनेस में और तरक्की करे इंशाल्लाह। ला चाचा मैं फुला काम कर रहा हूँ, है एमरजेंसी आया ही तो करके आया शामी से ही, हाल में हम आ गए हैं और स्टैंड हमने यहाँ पर लाकर फिट कर दिया, ठीक 20 मिनट में ये स्टे मुकम्मल तैयार हो जाएगा, क्योंकि तो खाली पंच का बहुत ही जल्दी ये काम होता है। तो उस्मान भाई के घर बैठा हुआ माशाल्लाह बहुत खुशी हुई देख सुनकर, और मैं था जुमेरात की रात को हुआ था, कैसर भाई बता रहे थे, मैं जुमेरात को गुजरा वाले में था, जुमे वाले दिन आया, हफ्ते को भी फ्लावर का काम था, इतवार को भी, पीर को भी, और आज मंगल को भी फ्लावर का माशाल्लाह काम है, तो कल भी एमरजेंसी था, आज भी एमरजेंसी है। पहले जो दो दिन के काम थे हफ्ते इतवार का, वो हमें उन्होंने बता दिया था कि ये काम है, तो ये एमरजेंसी आया दो दिन का, तो जिस वजह से मैं उनके पास नहीं जा सका,
पता भी नहीं था, लेकिन मैं चक्कर लगाता रहता हूँ आते जाते हैं, चक्कर लगाता रहता हूँ मैं, तो मैंने चक्कर भी लगाया और मुझे पता भी नहीं था। ये तो घर जब वो मेरे ख्याल आज ही तकसीम किया उन्होंने, जो मिठाई है ना मुँह मीठा करने के लिए, वो आज ही मेरे ख्याल तकसीम की है। वो घर आई जो फरियाद भाई ने गिफ्ट ला कर दिया मुझे इतना बड़ा, तो मुझे पता चला कि उस्मान भाई का घर बैठा हुआ है। तो काम करते हैं जल्दी से शुरू और 15-20 मिनट में मुका कर फिर चलते हैं वापस। जैसे स्टेज मारा हो चुका मुकम्मल, पूरे 20 मिनट में काम ख़त्म हो गया, क्योंकि इसका टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म हो जाता है। और अब चलते हैं आसफ भाई को पिक्चर खींच के देनी है, चेक करवानी है, उसके बाद फिर चलते हैं घर को। अब जी हम चलते हैं घर को, अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ, मगरब की अज़ान अभी नहीं हुई। हाँ जी ना यार ना हमजा अज क्यों काम आज एक ही काम है पूरे हाल में, जहाँ पर हमने स्टेज बनाया सिर्फ यही इसी हाल में ये काम है। अभी आ गया जी खाना, खाने में है आलू गोभी और साथ में है रोटी, तो खाना खाते हैं फिर चलेंगे इंशाल्लाह वापसी करने के लिए। लेकिन अभी टाइम बहुत पड़ा है, अभी 2 घंटे पड़े हैं, 8 बजे हैं, 2 घंटे बाद जाएंगे 10 बजे वापसी करने के लिए। फिलहाल खाते हैं खाना, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। ले जी टाइम हो चुका है रात के 10 का, हम निकल चुके हैं वापसी करने के लिए और आज बाइक चला रहे हैं फरियाद भाई। ले जी फाइनली मिले हाल में हम पहुंच चुके हैं और ये पार्टी अभी भी बाहर निकली है, मेरे ख्याल रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, अभी अभी पार्टी बाहर आई हुई है। ये जी हम पहुंच चुके हैं वापसी करने के लिए, लाइटें हार के फिलहाल बंद है क्योंकि पार्टी अभी बाहर ही है, तो अभी लाइटें नहीं जलाएंगे, ये पार्टी जब चली जाएगी तो फिर लाइटें जो है ऑन कर देंगे। फिलहाल मोबाइल का जो टॉर्च है उसी से काम चलाएंगे हम। आज हमने जी ज़िंदगी में पहली दफ़ा सारी वापसी अंधेरे में की है मोबाइल की टॉर्च ऑन करके, तो अभी चलते हैं ये देखें। ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसी के सारे आशय को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।